भाई मार्डर का सिचुएशन है वो भाई। एक्सक्यूज मी बहुत देरी रुकता है, कोई टेंशन नहीं है, पर जैसे अंदर जा रहा है मतलब खतरा है, खतरनाक है, मैं इसमें चला जाता हूँ। मैंने गलती करके भाई भेंडर में होपफुली उठ गया हूँ, आई डोंट नो क्या करूँ, तो एक दिन होपफुली भेंडर का भी सिचुएशन देख लेता हूँ। चल इसके अंदर भाई इतना बीड़ी सिगरेट खड़ा है क्या ही बोलूं, और तमाक मतलब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। वेंडर में भाई इतना खराब परिस्थिति था, मैं नाम गया मतलब क्या ही बोलूं, तो और एक में उठ रहा हूँ सामने क्योंकि इतना सिगरेट बीड़ी तामा खा रहा है एग्जॉस्टेड। तो आज हो पुलिस के बाद इवनिंग कॉलेज होगा, तो चलो अभी जाते हैं। तो कॉलेज तो सब सैम मैम जा रहा है घर में, तो बेसिकली 5:12 का ट्रेन धरूंगा, पर अभी और 5 मिनट है समय, वो चला गया है। तो स्टेशन तो हटते हुए ही जाता हूँ, एक भी तो टोटो नहीं जा रहा है। 5:12 का ट्रेन में ना क्राउड होता है, तो टोटो तो आ नहीं रहा है, समझ नहीं पा रहा हूँ, एक आ रहा है देखता हूँ। अगर 5:12 का ट्रेन धरूँ तो मेडिटेशन क्लास में पुलिस जा पाऊँगा, तो फिंगर क्रॉस की धरूँ हर बात को। पुली 5 मिनट चले आया हूँ, मतलब 5 बज रहे अभी, तो चलो देखो 2 मिनट के अंदर स्टेशन में आ गया हूँ, तो चलो। मेरा तो भाई टिकट काटना था, तो टिकट नहीं काटूंगा, तो अभी जाते हैं चलो घर में। चार्ज देने का भी व्यवस्था है, कल ही कट के रखा था 15-15, 30 रुपये। चलो सही हुआ भाई, मैं होपफुली मेडिटेशन क्लास भी कर पाऊँगा, तो चलो। टीटी तो आज नहीं है कोई, पर ये जो 5:12 का ट्रेन आएगा ना, मतलब इतना क्राउड कि मर जाएंगे, पर मेरा और कोई चारा नहीं है, यही धरूंगा चलो। तो क्योंकि देखो अगर मैं मेडिटेशन क्लास में बंद करके आया था, पर मैं मेडिटेशन क्लास करूँगा क्योंकि करना बहुत ज़रूरी है। और आज तो सूरज नहीं गया, पौला सर के बारे में मैं वो लड़की के पास से भी सुन लिया, क्योंकि इसलिए बोलते हैं कि लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए। तो देखो कितना क्राउड है ट्रेन स्टेशन में, सब बोनगा लोकल, मतलब मैं जाओ करके उठ जाऊंगा, अदरवाइज मेरा भाई एक मेडिटेशन क्लास नहीं होगा। दीदी को कल ऑलरेडी मैं बोल के आया था, आई डोंट नो क्या करूँगा, जाऊँगा शांति। सूरज के साथ मुलाकात हो गया, मुझे भाई पौला सर के पास नहीं लेकर गया, और देखो मुलाकात हो गया। तो सूरज के साथ मुलाकात होता यही बड़ा बात है, हमारा एक साथ ही क्लास खत्म हुआ। शांतिनी के साथ मुलाकात हुआ था, वो ब्रेन वे में भाई एग्रीकल्चर लेकर पढ़ रहा है, ब्रेन वे में एग्रीकल्चर, आप सोच पा रहे हो। तो ये ऊपरी 5:40 का ट्रेन था, पर मैं 5:12 का ट्रेन, चलो भीड़ के अंदर। हाँ चले एसे कि हमारे ट्रेन वाला मेनली दत्तपुकुर लोकल है, तो चलो सूरज के साथ उधर बात करते हैं। सैमसंग में कोई जगह ही हो ना भाई, ठीक ना।
सैमसंग हबे सैमसंग M32 हाँ एटा मोटोरोला मोटो H50 हम लोग अभी टॉवर देख रहे हैं। राज बेसिकली बोल रहे कि मैं क्यों चला जाऊंगा, बिकॉज कारण है कि मेरा मेडिटेशन क्लास है। कल तो छुट्टी लेकर आया था, पर इसी के लिए मैंने आज नहीं गया। पॉलर सर के पास जा पाता, पर ये बोल रहा है कि आज उसका शरीर बुरा है, क्या ही करूँ। नेक्स्ट मंथ से ही मैं पढ़ूंगा। तो मेरा भाई मोबाइल का कहाँ भी नहीं पाया जा रहा है, तो चलो जाते हैं। वाओ ये स्टैंड भालो, ये भी अच्छा है दादा। ये स्टैंड कह दो, ये लाइट जले, लाइट बड़ो है ना, बड़ो बोले सुविधा। सूरज के साथ मिला था नहीं, वो दुकान हम लोग जाकर जाकर कवर देख रहे हैं। हमें कवर चाहिए मोटोरोला। चलिए क्या गेली ना पढ़ते কত দাম এটার? मैंने एक भाई कवर खरीदा पूरा ब्लैक कलर का, मैं जो चाहता था, तो 80 रुपी बोल रहा था, 70 रुपी लिया, तो आई थिंक ठीक ठाक ही है। तो चलो, बोल रहा था कि 75 दो आएगा, 65 दो, तो चलो भाई पूरा ब्लैक कलर का चाहता था, तो एक अच्छा ही हुआ 70 रुपी के अंदर, बहुत क्वालिटी भी अच्छा है। तो ट्रेन आ गया, चलो। क्राउड तो है भाई, मेडिटेशन क्लास का जुनून मेरा देखो, वो भाई मर्डर का सिचुएशन है वो भाई। बहुत देरी रुकता है, कोई टेंशन नहीं है, पर जैसे अंदर जा रहा है मतलब खतरा है, खतरनाक है, मैं इसमें चला जाता हूँ। मैंने गलती करके भाई भेंडर में होपफुली उठ गया हूँ, आई डोंट नो क्या करूँ। तो एक दिन होपफुली भेंडर का भी सिचुएशन देख लेता हूँ। चल इसके अंदर भाई इतना बीड़ी सिगरेट खड़ा है, क्या ही बोलूं, और तमाक मतलब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। वेंडर में भाई इतना खराब परिस्थिति था, मैं नाम गया मतलब क्या ही बोलूं। तो और एक में उठ रहा हूँ सामने, क्योंकि इतना सिगरेट बीड़ी तामा खा रहा है, আমরা এলে ডেকে দেবো।
আপনি কোথায় গেলাম বস? भाई अगर मेडिटेशन क्लास नहीं हो तो इस क्राउड में कभी भी नहीं आता। फैन है क्राउड। ओह माय गॉड। मैं भाई ऐसे जो कैसे ढूंगा, क्या ही बोलूँ। बोल रहा कि पीछे से ठेला है, पीछे से ठेला है, ये बोल के दादू के पास से ढूंगा। भाई अब एक बड़ा सा अंकल खड़ा था, क्या ही बोलूँ। मतलब जो करके इसके अंदर आया उसके बाद ही सीख पाया भाई। और मतलब इतना भयानक क्राउड है कि मतलब आपको ठेलकर बाहर फेंक देगा ऐसा कुछ। अभी थोड़ा सा कम हुआ है, सूरज ने ठीक ही गाड़ा भाई। যদি ছুটি করে সে ব্যাপারটা আলাদা, কিন্তু কলকাতা আসলে এখানে আসতে হবে। আর ছুটি করলে আগের দিন বলে যেতে হবে কোথায় নামবে। मतलब उस समय ये अंकल था भाई मोटा सा, और क्या करके जो अंदर आया क्या ही बोल। चलो दादा भाई बहुत अच्छा है, शोभन दादा। तो यार बाबा को फोन करके बोला मम्मी को बोल देने के 6:30 बजे बोनगा में राउट तो हो रहा है। धीमे धीमे से शौंग होती है अभी तो यार। भाई इतना खराब खराब इंसानों के अंदर अच्छा इंसान भी है दादू भाई। पूरी 3 जून के लिए 1 जून मतलब नहीं बैठ रहा है तो क्या ही बोलूं। কলেজে তোমার এই 4টা থেকে 5টা ব্যস্ত যদি না থাকে মানে ক্লাস তাহলে বাড়ি কলেজ আর এখন টিউশন বাড়ি বনগাঁতে আর কলেজ হচ্ছে বারাসাত গভর্নমেন্ট আর টিউশন বনগাঁতেই আছে। তুমি 6:30 পাবে না সেই রাখি তাই তো? ও ঠিক আছে ডে টু ডে আমি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে পড়ছি, পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট। এমনিতে আইটিআই শেষ হলো আবার, এখন আইটিআই পাশে করছিলাম, শেষ হয়ে গেছে। আইটিআই কি কলকাতাতেই করতো? বনগাঁ থেকে এত দূরে, বনগাঁয় তো কলেজ আছে কিন্তু ভালো না এটা শুনেছি। সেটাই আমি নেক্সট ডে তোমার এন্ট্রান্স এক্সামে প্র্যাকটিস করছি, এবার তার সাথে একটা দুটো প্রাইভেটও আছে ওই কারণে, তো ওই কারণে কলেজটাও হয়ে যায়। আমার অনেক
সাড়ে চারটে, মানে এর আগে যেটা আছে ওটার কথা বলছি, এর আগে তুমি যে কোনোটা ধরো এত বেশি ভিড় হবে না। চিনি না আমি, তোর অফিস কি কলকাতাতেই? রেগুলার জার্নি করতে হয় তো, বেশি দামে গ্যাস ওপেনের লাইটার গুলো পাবেন। আমি তো একদিন করে আর পরের দিন আসতে পারি না। যখন তুমি জব করবে না তখন মাইন্ডটা অন্যরকম থাকবে, পড়াশোনার লাইফ শেষ হবে, ঘোরাফেরা না অন্যরকম। আমি আমি যখন দেখো যেই সময় আমি জব করি না তখন আমি আমার ঠাকুরনগরের থেকে বাইরে এদিক ওদিক কোথাও যাই না, যাই হোক ঘোরাঘুরিও করি না আমি। আমার পিসি বাড়ি পর্যন্ত মগরা এদিক ওদিকে আছে, অনেক জায়গায় আছে আত্মীয় স্বজন এদিক ওদিক, কিন্তু আমি যাই না কোথাও। কলেজে পড়তাম তখন কলেজ ঠিক মতন যেতাম না। কি নিয়ে পড়েছিলে? আমি আর্টসের স্টুডেন্ট। আর্টসে, তারপরে আইটিআই করলে, তাই তো? ভালো, শেষ করে তারপরে নাহলে একসাথে করা যেত অবশ্যই। হ্যাঁ সেটাই, একসাথে ব্যাপার আছে অনেক। কি এমনি কোন কোম্পানির আন্ডারে তুমি কাজ করো? কোন কোম্পানির আন্ডারে কি ওটা তুমি কাজ? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বললাম, পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট, মানে পোস্ট অফিস। ও আচ্ছা, পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট, আমি অন্য কিছু শুনেছি। তো ইয়ে যে দাদা কে সাথ মুলাকাত হোনা, এই দাদা ভাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে কাম করতা হ্যায়, দমদম মেয়ে রেগুলার জার্নি করতা হ্যায়, মুঝে বোল রাহা থা আর বোল রাহা থা গোবনা কলেজ মে পড়তা থা, উসকে বাদ আইটিআই কারা, উসকে বাদ অভি জব কর রাহা হ্যায়, তো আচ্ছা লাগা, মতলব দুনিয়া মে আচ্ছা ইনসান মিল। মেরা ব্যাগ ভাই পকড়া থা, মে জব ভি অন্দর আয়া থা, ভাই ব্যাগ দে দো করকে থা। দাদুপুরি ঠাকুরনগর স্টেশনে নাম জায়গা, আবি দেখো ক্রাউড কিতনা কম গিয়া ভাই, থোড়া দের পহলে ইতনা ক্রাউড থা কি ক্যা হি বোলু, শিয়ালদা বনগালোগাল, শিয়ালদা সে বহুত লোক আতা হ্যায় না, উসি লিয়ে তো চলো। ইয়া मेनली वही दिखा था जो मेरे साथ नेचुरली होता है, ये नहीं कि सजा कर दजा कर, जो एक नॉर्मल लाइफ है वही दिखाता हूँ, तो यार इसलिए आई एम यूनिक। किसी भाई पहचान का एक उनके साथ मुलाकात हो गया था, क्या ही बोलूं। हाँ तो चलो अभी जाता है क्लास, देखता हूँ कर पाता हूँ कि नहीं, तो यार साढ़े छः बजे आ रहा हूँ, 7 बजे पहुँचूँगा, तो यार ऊपर से जाता है। बहुत सारे लोग ही नवे हैं, तो निवेदा से मुलाकात हुआ था, होपफुली वो पहचान नहीं पाया मुझे, तो चलो क्योंकि पहले मैं बहुत बुद्धू था, अभी बहुत स्मार्ट हूँ। सबको ही देख रहा हूँ स्वेटर पहन के घूम रहा है, एक टोटो में उठ जाता हूँ क्योंकि मैं अभिजन संघ में नाऊंगा। चलो टोटो पुलिस आ गया, वो भी जाते हैं आज भाई, जिसको भी देख रहा हूँ मैं पहचानता हूँ, रोबी जो जिसको भी देख, ये दादा को भी पहचानता हूँ मैं, टुलू मैम का कुछ होता है, तो यार चलो। तो टोटो से तो मैं नाऊंगा भाई, काली माता को लेकर जा रहा है, तो वो दादा ना, वो दादा का घर है भाई हमारे उधर पैटंगी के उस तरफ, तो चलो अभी इस तरफ से हट के जाते हैं जल्दी से। चलो जाता है, एक दो ही काली माता है। तो अभी मेनली 6:42 हो रहा है, तो भी क्लास करूँगा क्योंकि शिव बाबा से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन, तो चलो। जय बोलो गाइस, भेंडर में कभी मत जाना, मैं आज एक बार सीखा, और अभी मूडली क्लास करने जाते हैं, चलो बाय। What are you?